मैं हूं आशिकीन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्मोत्सव गोरक्षा समिति विश्व हिंदू महासंघ ने हर्षोल्लास के साथ मनाया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के मौके पर सुबोध नगर में गोरक्षा समिति विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा, जिला उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, राकेश सैनी, गौरव शर्मा, ललित कुमार, गोपाल, सुधीर चौहान, बबलू, प्रदीप एडवोकेट, जगदीप, ब्रजेश चौहान, घनश्याम खटीक आदि बहुत से लोग मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैश की रिपोर्ट। पूरे देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वो आज अमरोहा में गोरक्षा समिति विश्व हिंदू महासंघ के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज अमरोहा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। आज हमारे साथ मौजूद है गोरक्षा समिति विश्व हिंदू महासंघ के नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा। आज हमने उनसे बात की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के बारे में। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी शर्मा जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, आज आप गोरक्षा समिति से जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, नगर अध्यक्ष पद आपको दे रखा है हाईकमान ने, आज आपने जन्मोत्सव मनाया, इस कार्यक्रम के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। बाबा साहब का 127वीं जयंती मनाई जा रही है, ये आज हमारे गोरक्षा समिति विश्व हिंदू परिषद महासंघ के बैनर तले मनाई जा रही है। तो ये भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी ज़िंदगी में जो दलित समाज के लिए और शोषित समाज था उसके लिए बहुत संघर्ष किया, इनका नारा था संगठित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। तो आज की पब्लिक से जो जनता है, जो परेशान लोग हैं, उनसे यही उम्मीद करते हैं, हम यही उनसे आह्वान करते हैं कि उनके बताए हुए आदर्शों पर चलें, और जो उन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर संविधान चलाया है ये सब उन्हीं की देन है, और वो बहुत ही कर्मठ और जुझारू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जाने जाते हैं। और ये उन्होंने जो अम्बेडकर उपनाम दिया है, ये उनके गुरुजी थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को उनकी भावनाओं से खुश होकर, उनके संघर्षों से खुश होकर अपना उपनाम अम्बेडकर जी उन्हें दिया, तो उन्हें जाना जाता है इसी नाम से। वो किसी एक ही समाज के लिए नहीं काम करते थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए कार्य किया है और पूरे हिंदुस्तान के ही नेता माने जाते हैं, उन्हें संविधान की अनुमता है। और हम उनसे उनके पब्लिक से यही उम्मीद जताते हैं कि उनके संघर्षों और आदर्शों पर चलें, और जो उन्होंने नारा दिया संगठित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, उस नारे के अनुसार पब्लिक से दुआ मनाएंगे कि उनसे आगे चलें, उनके कदमों पर चलें। अनेकों राजनीतिक दल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उद्देश्यों को मानते हैं, उन पर चलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसे में गोरक्षा समिति विश्व हिंदू महासंघ बाबा साहब के उद्देश्यों को समाज तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि बाबा साहब किसी एक जाति या बिरादरी के नेता नहीं थे, इनके आदर्शों को सभी को अपनाना चाहिए और सभी उनके आदर्शों पर चलें, उन्हें मानें, संविधान के निर्माता हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कानून है वो उन्हीं की देन है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी टीम बनाती है, लेकिन जो इसका नेतृत्व करता है वही माना जाता है। तो ये महासाहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके नेतृत्व करता थे और उन्हीं के अनुसार ये हिंदुस्तान का कानून चलता है। इसलिए बस हम तो ये कहेंगे सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, किसी की जात बिरादरियों से भेदभाव को मिटाएं, जैसे उन्होंने मिटाने के लिए संकल्प लिया था। तो आज हम सभी लोग ये कहेंगे जात बिरादरियों को मिटाएं और सब एक बने, नेक बने और संघर्ष करें ना। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर रहेंगे जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा और प्यार भाईचारा बढ़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ये थे गोरक्षा समिति के नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, जो कि प्रदेश की और देश की आवाम से अपील कर रहे हैं कि बाबा साहब के बताए आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, तभी हमारा समाज और हम तरक्की करेंगे। वीडियो जाऊंगा स्वामी मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, जेपीएन 7। 127वीं जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की गोरक्षा समिति की तरफ से मनाई जा रही है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी समिति इसी कार्य में तत्पर होकर काम करेगी। और मैं देश के लिए कामना करता हूं कि जो ये संविधान इन्होंने बनाया है वो कायम रहे और सही तरीके से इसे शासन चलाता रहे। जय भीम, जय भारत।